देखिए उस टॉपिक का नाम क्या है, एलसीएम एससीएफ, एलसीएम एंड एससीएफ, एलसीएम एंड एससीएम। हाँ देखिए एलसीएम एससीएम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी प्रकार के सरलीकरण जहाँ अंकीय गणित आती है या अर्थमेटिक मैथ जहाँ भी आती है वहाँ एलसीएम काम में लिया जाता है। चाहे आप जोड़ करो बाकी करो कुछ भी करो वहाँ पे एलसीएम लेते हो नहीं लेते हो, अर्थात ये सरलीकरण का एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। जिस प्रकार से वर्ग एंड वर्गमूल था इसी प्रकार ये सरलीकरण का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं लघुतम समापवर्ते, लघुतम समापवर्ते, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्ते, ये दो नाम है एलसीएम एंड एससीएम। नाम से स्पष्ट होना चाहिए एलसीएम लघुतम, लघुतम का मतलब क्या होता है सबसे छोटा, छोटा नहीं सबसे छोटा लघुतम, और महत्तम का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा। लेकिन ये इसके जो आंसर आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे। विपरीत मतलब लघुतम में संख्यात्मक मान देखेंगे तो बड़ा आएगा, महत्तम में संख्यात्मक मान देखेंगे तो छोटा आएगा। अब देखिए लघुतम किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं, पता है किसी को? एलसीएम, मैंने सबसे पहले कोचिंग खोली थी एलसीआई, अच्छा एलसीआई थी वो एलसीएम है। सबसे पहली कोचिंग मेरे द्वारा खोली गई उसका नाम क्या था, एलसीआई, उसको जोड़कर मैंने एलसीएम सेट कर दिया, ठीक है। उसका एलसीआई का मतलब था लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो 2004 के अंदर था, हाँ 2007 में उसका नाम चेंज मॉडिफाइड रूप में करके लघुतम से पाई में चले गए। हाँ अब देखिए लघुतम किसे कहते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है उसे एलसीएम के नाम से जानते हैं, उसे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या, हमें एक छोटी मिनिमम नंबर मिलेगा उस नंबर में जितनी भी संख्याएं दे रखी उन सभी का पूरा पूरा भाग जाना जरूरी होता है उसे हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। दूसरा एससीएफ, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है उसे एससीएफ कहते हैं। एससीएफ किसे कहते हैं, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, उस बड़ी संख्या का दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है उसे एससीएफ कहते हैं। तो एक तो हमारे इसमें जिसमें और जिसका, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इन दो पॉइंटों का ध्यान रखना है कि एक सबसे छोटी संख्या हमें ऐसी मिलेगी लसब के अंदर, उस संख्या में जो सबसे छोटी संख्या मिलती है उस संख्या में दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। मत्सव में एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी उस बड़ी से बड़ी संख्या का दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे हमारे पास आता है 100, 80 एंड 60,
साठ नहीं अपने कर देते हैं या पचास का लसब व मसब का अनुपात क्या होगा। तो 80 एंड 50 का लसब व मसब का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लसब ज्ञात करेंगे, फिर उसका मसब ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए, लसब ज्ञात करने के लिए पहले दी गई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, 50, 2, 25, 5 इंटू 5। इसी प्रकार 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का भाग देंगे 40, 2 का भाग देंगे 20, 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5, 5 दुनी 10, 10 दुनी 20, 20 दुनी 40, 40 दुनी 80। और 50 का सबसे छोटी संख्या 2, 5, 5 इंटू 5, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब लसब के अंदर, लसब के अंदर क्या करना होता है, सभी संख्याओं को लिखना जरूरी होता है, सभी संख्याओं को लिखना जरूरी होता है, लेकिन एक से अधिक बार संख्या आती है तो अधिकतम को लिखा जाता है। क्या लसब में सभी संख्याओं को लिखना जरूरी है, लेकिन एक से अधिक आने वाली संख्या में अधिकतम को लिखना है। सभी संख्याओं को लिखना जरूरी है, लेकिन एक से अधिक बार आ रही है, बड़ी बार बार आ रही है, उससे अधिकतम संख्याओं को लेना है। जैसे थोड़ा बड़ा अभी करते हैं। आप देखो इसका लसब क्या आएगा, अभी कर रहा हूं बड़ा, ये आप देखिए। अब लसब में सभी को लिखना जरूरी है, तो पहले देखो दो इसमें दो बार है, दो इसमें चार बार है, दो इसमें एक बार है। अधिकतम दो कितना है, अधिक मतलब सभी संख्या में दो लिखना जरूरी है, लेकिन दो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उसमें अधिकतम को लिखना जरूरी है। चार बार दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, दो के बाद में कौन है, तीन है कहीं पर भी नहीं है, तीन के बाद कौन है, चार कहीं पर नहीं है, फिर बचा पांच। इसके पास दो पांच है, इसके पास एक पांच है, इसके पास दो पांच है, अधिकतम पांच कितने हैं, दो, तो अधिकतम को लिखना जरूरी है। और कोई बचा, सभी आ गए, इसमें से कोई ऐसा अंक है जो यहां नहीं आया, सभी आ गए। अब इसका गुणा कर दिए, पचम पच्चीस, पच्चीस दूनी पचास, पचास दूनी सौ, सौ दूनी दो सौ, दो सौ दूनी चार सौ, ये आ गया लसब। अब मसब, मसब का मतलब होता है कॉमन लेना, सभी के अंदर उपस्थित है उसको लेना, किसको लेना, कॉमन, कॉमन कौन है, कॉमन है ये दो, सभी के अंदर उपस्थित एक, एक ये पांच, और कोई कॉमन है नहीं, तो मसब में कॉमन लेना पड़ता, एक लेंगे दो, एक लेंगे पांच, दस, ये आ गया मसब। अब लास्ट में प्रश्न हमें ये पूछा गया है, लसब व मसब का अनुपात क्या होगा, अनुपात किसका, लसब व मसब का, लसब है 400 और मसब है 10, अनुपात कितना होगा, 40 अनुपात 1। अब परिभाषा में आते हैं, लसब की परिभाषा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो हम इन चारों की
जो ये चार संख्याएं थी, तीन संख्या सॉरी, इन तीनों में से एक सबसे छोटी संख्या मिली है उसका नाम है 400। दी ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 400, जिसमें इस 400 में दी गई सभी संख्या 100, 80 एंड 50, दी गई सभी संख्या मतलब इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या कौन सी होगी? 400। अब 400 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाए। भाई मान लो जैसे 200 है तो 100 का जा सकता, 50 का जा सकता, लेकिन 80 का नहीं जाएगा। 300 है तो 100 का जा सकता, 50 का जा सकता, बट 80 का नहीं जाएगा। तो 400 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो ऐसी संख्या हमें मिलती है, उन संख्याओं में से एक ऐसी सबसे छोटी संख्या हम बाहर निकालते हैं, उस संख्या में दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो हमारा लसप कहलाता है। मजा नहीं आया? दोबारा लाएंगे, खरीद के भी लाना पड़ता है कई बार। हाँ, अब बात करते हैं एससीएफ की। सबसे बड़ी संख्या मतलब इन तीनों की सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या मिली है हमें कौन? 10। ये सबसे ऐसी सबसे बड़ी संख्या 10, जिसका इस 10 का दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगा। इस 10 का इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा। 10 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है। जैसे मान लो 20, तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। जैसे 15 का तो किसी में जाएगा नहीं। कोई भी संख्या मान लो 10 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है, इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। अर्थात मसब के अंदर हमें इस प्रकार की दी गई संख्याओं में से एक इस प्रकार की बड़ी से बड़ी संख्या हम बाहर निकालते हैं, हम कॉमन निकालते हैं, उस बड़ी से बड़ी संख्या का दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या एससीएफ के नाम से जानी जाती है। तो ये आपका लसप और मसब सेट हो गया, पूरा हो गया। मतलब सिर्फ लस टॉपिक की परिभाषा हमारे दिमाग में सेट की, टॉपिक होता क्या है, लसप किसे कहते हैं एंड मसब किसे कहते हैं। हो गया सेट? अब पेज करें चेंज, लिखना है, वेरी गुड। पीडीएफ भी भेजेंगे, बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, टॉपिक का नाम तो सेट कर ही सकते हैं। हाँ, हुआ बड़ा, ये ऑटोमेटिक होता है, इसके पास पुश बटन भी होता है, जैसे दवाई एडजस्टेबल है, जितनी क्षमता के अनुसार लास्ट को कहाँ तक दिखाई देना चाहिए वो इसमें सेट होता है, ठीक है। हाँ, फिर भी किसी के नहीं होता है तो एक पीडीएफ को भी सेटलमेंट दिया गया है, ठीक है, और फिर भी नहीं होता है क्या? क्या? हाँ, पीडीएफ सेट हो जाता है, पाई डिफेंस एकेडमी ऐप है ना, हाँ उसके अंदर, हाँ गूगल 5 स्टार। आगे बढ़ाना, बढ़ाएंगे तब लाइक करेंगे तब आगे बढ़ेगा ना, सेटलमेंट करना। मिटा दें, एक मिनट, एक क्यों डेढ़ दे देते हैं क्या? ये तो परिभाषा दी गई है। नहीं नहीं, हाँ तो सिर्फ इसे टॉपिक का नाम समझाया, टॉपिक किसे कहते हैं, अब उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न अपने सिलेबस में सेट होते हैं, हाँ जिसमें हम प्रश्न डालते हैं, भाई ये प्रश्न हम एग्जाम में देते हैं, वो बताने बाकी नहीं, इसको 4 दिन में खत्म करेंगे। बता दें क्या? नहीं, एसएससी में, एसएससी लसप मसब कॉमन पर्सन रिजल्ट, आप सरलीकरण करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग दूंगा सरलीकरण, उसमें लसप तो निकालना पड़ेगा आपको। इस टॉपिक के संबंध 3 पर्सन, हाँ एक आपसे नहीं होगा। हाँ लसप एक सबसे छोटी संख्या लेनी है, ठीक है, जैसे हम ये तरीका सेट नहीं बैठता है ना, तो अपने पास एक और सेटलमेंट है, वो ये है 80 100 यहाँ लिखना, 80 यहाँ लिखना और 50 यहाँ लिखना। हाँ हाँ, फिर इसको ऐसे कर देना, ऐसे
कम से कम संख्या का भाग देना, दो का भाग देंगे 50, 40, 25, फिर दो का भाग देंगे 25, 20, 25 में जाएगा नहीं, 25 का 25, फिर दो का और देंगे 25, 10, 25, फिर दो का और देंगे 25, 5, 25, फिर पांच का देंगे 5, 1, 5, फिर पांच का देंगे 1, 1, 1, वेरी गुड। ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिर इनको गुणा करना होता है, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, ऐसे भी कर सकते हो गया नहीं हुआ। अभी ये परिभाषा समझाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एससीएफ के बारे में, फिर पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, फिर पढ़ेंगे एलसीएफ एससीएफ मिक्स, तीन प्रकार से पढ़ेंगे। क्या अनुपात वाला नहीं हुआ? अनुपात में जो दी गई संख्या को अनुपात में लिखना होता है, लस पाया 400, मस पाया 10। अब इसको यहां से यहां काट सकते, फिर भी नहीं आया कोई बात नहीं, लस मस खत्म होते ही अगला टॉपिक स्टार्ट होगा अनुपात, जिसमें अनुपात कैसे करेंगे वो भी करेंगे। हाँ, अब ओनली पढ़ते हैं एससीएफ। एससीएफ किसे कहते हैं? एससीएफ, एससीएफ क्या? हाँ, रबड़, एससीएफ। देखिए एससीएफ जो अपने परिभाषा पढ़ी उस परिभाषा से कोई मतलब नहीं, ये समझ लेना कॉमन, कॉमन समझते हो, उभयनिष्ठ, जहां से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं वही मत्स्य होता, ये दूसरी परिभाषा। मत्स्य किसे कहते हैं? दी गई संख्याओं में से जो हमें कॉमन प्राप्त होता है वो मत्स्य कहलाता है। हो जाएगा याद? वो बड़ी से बड़ी संख्या छोड़ो, अब आपको दूसरा ध्यान रखना है कि दी गई संख्याओं में से जो कॉमन मिलता है, जो उभयनिष्ठ प्राप्त होता है, उसे हम एससीएफ के नाम से जानते हैं, मत्स्य के नाम से जानते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन 25x² - y² एंड 60x³ - y³ का मत्स्य क्या होगा? मत्स्य क्या होगा? सीधा क्वेश्चन सेटलमेंट से आके खड़ा हो गया, गुणनखंड से बात करने लग गया। हाँ, 25x² - y² एंड 60x³ - y³ का मत्स्य क्या होगा? क्या कोई होगा सेट? क्या 5x² - y² x - y? हाँ, 5 cos x - y, यदि आपने ऐसा लिख दिया 5x - y तो ये गलत है। हाँ, 5 cos x - y आएगा। लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। आप देखो, पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, 25x² - y² 25 को तोड़ेंगे 5 × 5, इसको तोड़ेंगे x - y, x - y, ऐसे लिख सकते a² - b² या x² - y² वाला फॉर्मूला दूसरे बीजीय व्यंजक में आपको बताया था। इसी प्रकार दूसरा 60x³ - y³, तो 60 को तोड़ेंगे 2, 30, 2 को तोड़ेंगे 15, 3 को तोड़ेंगे 5, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 30, 30 × 60 का ही आ गया।
अब इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को खोलेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई वाई स्क्वायर। अब हमें लेना किसको है, मसब को, कॉमन। कॉमन कौन हो सकता है, एक तो ये पांच सभी में है, एक एक्स माइनस वाई सभी में, अर्थात पांच एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा मसब। होगा सेट के नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, फिक्स पर्सन, फिक्स क्वेश्चन। हर बार एग्जाम में देता हूं, इस बार ही नहीं दिया था मैंने, जल्दबाजी में था, भूल गया। हाँ, 15 x² y² and 23 ap² q² का मसप क्या होगा, ये हर बार देता हूं लेकिन इस बार नहीं दिया था, भूल गया था, जल्दबाजी में था। हाँ, क्या होगा, हम कॉमन लेंगे तो इसमें 15 एक कॉमन होता है, सबका मालिक एक होता है, वो सब जगह होता है। हाँ, इसका गुणनखंड करेंगे, 3 × 5 × x × x × y × y 23 ap² q² का गुणनखंड करेंगे, 23 × p × p × q × q × 1 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो कोई मसप निकालना मतलब कॉमन, तो इसमें से कौन आएगा, एक, क्योंकि बाकी एक जैसा कहीं नहीं है। तो इस उदाहरण से हम ये चीज सीखेंगे कि यदि कहीं पर भी कोई कॉमन नहीं दिखाई देता है तो उसका मसप हमेशा एक होता है। रट के याद रखोगे, ज्यादा कॉमन नहीं मिलेगा, वहां वहां सबका मालिक आएगा, एक आएगा। हो गया, टाइम हो गया, चलो आज देखिएगा, आज अपन सिर्फ मसब का 1% भाग को सेट किया है, कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 3 बजे एसएससी जीडी के नाम से भी क्लास रहेगी, जिस बंदे को सेट होना है जीडी में उसका कल्याण हो जाएगा। और पाई डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर विशेष एंड विशेष ध्यान देना है, और सभी को 18 से 23 लाइक करवाने हैं, शेयर करवाना है। थैंक यू। हाँ।